हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कोरोना वायरस आउटब्रेक के बीच जल्द ही टीवी शोज की शूटिंग शुरू होने जा रही है। शूटिंग चालू होने की खबर सामने आने के बाद भी कुछ सितारों की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे सितारे हैं जो अपनी सैलरी के आने का इंतजार कर रहे हैं। पेमेंट ना मिल पाने की वजह से इन सेलेब्स को काफी दिक्कतों का अब सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही हाल सीरियल कसौटी जिंदगी के 2 में नजर आ रही एक्ट्रेस एरिका फर्नांडिस का भी है, जो कि अपनी सैलरी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। हाल ही में एक लीडिंग वेबसाइट से बात करते हुए एरिका फर्नांडिस ने बताया कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर कोई पिछले कई महीनों से किसी न किसी वजह से परेशान है, और मुझे भी मेरी सैलरी अब तक नहीं मिली। अगर मुझे मेरा पेमेंट नहीं मिलेगा तो मैं आगे अपने बिल्स कैसे चुका पाऊंगी। मेरे अलावा और भी लोग इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। वहीं एरिका फर्नांडिस ने आगे बताया कि किसी को भी अपनी सैलरी समय पर नहीं मिल रही है। आर्थिक तंगी के चलते मैं भी अपने बिल्स का भुगतान नहीं कर पा रही हूँ। और कुछ ऐसा ही हाल टीवी शोज के प्रोड्यूसर्स का भी है। उनके पास भी रुपए नहीं है, और यही वजह है कि जो वो हम लोगों को फीस नहीं दे पा रहे हैं। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से टीवी इंडस्ट्री में हर कोई नॉन पेमेंट ड्यूज के बारे में बात कर रहा है। एरिका फर्नांडिस से पहले कुशाल टंडन, रवि दुबे, सौम्या टंडन और जान खान जैसे सितारे खुलकर इस मुद्दे पर बात कर चुके हैं। और कुछ समय पहले ही सीरियल हमारे बहु सिल्क के मेकर्स पर उनकी टीम ने फीस ना देने के आरोप लगाए थे। और इतना ही नहीं, शो के मेन लीड जान खान ने तो सोशल मीडिया पर मेकर्स की जमकर क्लास लगाई और कहा था कि शूटिंग के पहले दिन से लेकर अब तक टीम को कोई फीस नहीं मिली है। तो इस घटना के बाद से ही टीवी जगत में नॉन पेमेंट ड्यूज का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। हेलो, मेरा नाम जान खान है, मैं एक एक्टर हूँ मुंबई से, और मैं एक शो कर रहा था नेम हमारी बहुत सेल्फ फॉर टीवी नेटवर्क, जिसके प्रोड्यूसर्स हैं दिव्यानी रली, सुधांशु त्रिपाठी और ज्योति गुप्ता। ये जो 3 प्रोड्यूसर्स हैं, इन लोगों ने हमारा, हम 15-20 एक्टर्स और 20-25 टेक्नीशियंस का पेमेंट अभी तक नहीं किया है पिछले 1 साल से। जैसे कि आप सब जानते हैं, इतने आर्टिकल्स आउट हो चुके हैं, INB मिनिस्ट्री से इनको एक नोटिस भी आ चुका है कि आप प्लीज जितनी जल्दी हो सके सारे एक्टर्स और टेक्नीशियंस के पेमेंट क्लियर करें। फेडरेशन इनके पीछे, सेंटा इनके पीछे, जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, JD Majedia सर, अमित बैल सर, इनसे बातें करे जा रहे हैं। ये उनको भी यही टहला रहे हैं जैसे वो हमें 1 साल से टहला रहे हैं कि इस प्रोड्यूसर से हमें ये लेना है, उसने ये डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया है, उसने चैनल से पैसा नहीं आया है, और जब तक साइन नहीं होगा तो पेमेंट कैसे निकलेगा। अरे हमें इससे क्या लेना देना, जब हम आपके साथ काम कर रहे थे तो हम ये सब करते थे कि आज हमने खाना नहीं खाया है, आज हमें नींद बहुत आ रही है, आज हमारी तबीयत खराब है। 20-20, 24-24 घंटे शूट करते थे पागलों की तरह आपके लिए, और आपके लिए भी क्या, हम अपने लिए काम करते थे। अगर हम अपनी मेहनत का पैसा मांग रहे हैं तो क्या गलत है उसमें? और कब से बोल रहे हैं आप लोगों में ह्यूमैनिटी है या नहीं है, इंसानियत है या नहीं है? बेवकूफों की तरह पूरी यूनिट, पूरी टेक्नीशियंस पीछे पड़े हैं आपके, ऑफिस आ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, आप हो कौन यार? अरे पैसा तो क्लियर करो, अपना काम करवाया आप लोगों ने, और बस कल के मरते तो आज मरो। दिख रहा है कि COVID-19 से कितने लोग परेशान हैं, और ऐसा भी नहीं है कि COVID-19 में आपका शो बंद हुआ है या कोविड की वजह से आप हमारा पैसा नहीं दे पा रहे हैं। ये आप लोगों की जो भी रकस चल रहा है, आप लोगों की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी दुश्मनी आपसी प्रोड्यूसर्स में, हमें उससे क्या लेना देना? मैं तीनों से बोल रहा हूं, सुधांशु त्रिपाठी, दिव्यानी रेले और ज्योति गुप्ता, हमारा पैसा क्लियर करो, हमें नहीं करना आपके साथ काम यार, कर देना हमें बैन सारे एक्टर्स को, सारे टेक्नीशियंस को आप। अरे इंसान रो रो के वीडियो डाल रहा है, आपको कॉल कर रहा है, प्लीड कर रहा है। ये महामारी में जो टाइम चल रहा है लॉकडाउन में, किसी के पास 2 रुपए की आमदनी नहीं है। 1-1.5 साल से आपके साथ काम कर रहे हैं जिसका पैसा नहीं मिल रहा है, सब अपने अपना पैसा लेके बैठ गए हो जुलाई तक, जो चैनल से पेमेंट आया। अब जो पेमेंट बची है जो आर्टिस्ट की, टेक्नीशियंस की, वो नहीं निकल रही है तुम लोगों से कि ये साइन करेगा, वो साइन नहीं करेगा, ये होगा, वो होगा, परेशान आके रख गए। 16 मई को पहला आर्टिकल आउट हुआ था हमारी बहु सिल्क का नॉन पेमेंट इश्यू पे, कि इनको इनके जो ड्यूज है वो नहीं मिले। आज क्या डेट हो गई, 7 जून। इतना सब कुछ होने के बाद भी शर्म नहीं है आप लोगों को कि हमारा पेमेंट क्लियर करो?